हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा मेरी जो वीडियो है ये एक और वीडियो है जो टॉर्टिफ जो प्ले है मोलियर का, उसमें मैं छोटा सा एक थीम के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और ये दूसरी वीडियो है मेरी, सेकंड वीडियो है ये, है ना। तो इसमें मैं और थोड़ा डीप से उसको उसका उसको ही डिस्कस करूँगा आपके साथ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो टॉर्टिव प्ले है उसका, ये तो आप जानते हैं कि उसके कई वो हुए हैं, इम्पोस्टर के, इम्पोस्टर भी कहते हैं उसका, है ना, और टॉर्टिव भी कहते हैं। तो हिपोक्रेट है, मतलब जो उसमें टॉर्टिव है, प्रोटोगोनिस्ट का करेक्टर है, उसके बारे में बात करूँगा मैं। थोड़ा सा आपको पहले एक बैकग्राउंड बताऊँगा पहले आपको, है ना, उसके बाद मैं आपको उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, आपको समरी बताऊँगा उसको, एंड आई विल टेल यू लॉट मेनी थिंग्स रिगार्डिंग दैट। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात यह कि देखिए जो लियस 14 जो था उससे, मतलब बात यह कि एरिस्टोक्रेसी जो थी, जो वेल्दी फैमिली थी उस टाइम पर, और जो वेल्दी लोग थे वो लोग जो क्या नाम है इसको, सिनेमा को, मतलब है ना, ड्रामा को, बाकी मतलब जो ये वाली जो फॉर्म थी इनको अच्छा समझते थे, या मान लीजिए कहिए शौक़ के लिए लोग जाते थे। बाकी जो आप यूरोपियन कंट्रीज़ की मानिए, है ना, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ का ये बात मानिए, दरअसल बात ये हुई कि आपको पता ड्रामा कैसे आया। ड्रामा इस तरीके से आया कि पहले ड्रामा हुआ करते थे, चोरी छुप के, ड्रामा हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके लोग इन्हें पसंद करने लगे, क्योंकि ये सटायरिकल होते थे, सोसाइटी पर कमेंट की जाती थी, किसी बात पर कमेंट की जाती, लोगों के मेंटलिटी पर कमेंट की जाती थी, ऐसा जैसा कि होती है लिटरेचर हमेशा, ऐसा नहीं, मतलब लिटरेचर तो हम जानते हैं कैसी होती है, तो उसके ऊपर हुआ करती थी। फिर लोगों ने क्या किया कि लोगों उसके उसकी तादाद बढ़ती गई धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली, तो लोग एक एक रूम कहिए पहले, मतलब ये चोरी छुपके हुआ करते थे, तो जस्ट लाइक रूम में, हॉल में हुआ करते थे। उसके बाद फिर इन्हें आउटर स्पेस में लाया गया, क्योंकि लोग इनकी जो फॉलोअर थे वो बढ़ गए। तो इस तरीके से इनका हुआ, और अब फिर स्टेज पर किए जाने लगे ये परफॉर्म, ठीक है। तो लियस जो 14 था वो उसको पसंद करता था, इसका जैसे ये आया, या मतलब बाकी और भी ड्रामा आए, ये मतलब ये वाली बात नहीं है कि यही आए। तो क्या है कि दरअसल इसको फिर बैन कर दिया गया, है ना, इसे इसका देखिए यार डेट भी दी गई होगी इसमें, मैं उसको बताऊंगा आपको, पर मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि इसे चार पांच, इसे एक्चुअली थ्री उसमें क्या बोलते एक्ट में इसको पहले प्ले किया गया था, इसे पहले प्ले किया गया था, प्ले मतलब इन द सेंस परफॉर्मेंस किया गया था इसे, उसके बाद ये रीराइट हुआ है, लिखा गया है। तो ये एक कंट्रोवर्सी है इसके बारे में, है ना। देखिए ये लिखा भी गया है कि यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं, देखिए यहाँ से, है ना, दो टॉर्टिफ वॉज रिसीव वेल बाय द पब्लिक एंड इवन बाय लियस 14, ठीक है, ठीक है, लोगों को बहुत स्पार्क किया लोगों के दिमाग में, ठीक है, लोगों ने पसंद किया, राजा ने भी पसंद किया इसे, लेकिन क्योंकि ये कमेंट थी उनके ऊपर। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, यूरोपियन कंट्रीज में जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज रही हैं उनमें जो चर्च जो था, है ना, जो चर्च था वो हैवी था, मतलब किंग जो था, ये पॉलिटी की बात है, किंग जो था वो दो तरीके से गवर्न हुआ करता था, एक तो अपने उसके अपने स्पिरिचुअल मैटर हुआ करते थे, है ना, नहीं स्पिरिचुअल मैटर तो अलग हो गए, उसके मतलब टेम्परेरी मैटर हुआ करते थे, ठीक है, एक हो गए स्पिरिचुअल मैटर हुआ करते थे। तो आप जानते हैं कि अपने दैनिक जीवन में आदमी, हर एक इंसान स्पिरिचुअली से उसका कहीं ना कहीं उसका वास्ता जरूर होता है। तो इस वजह से किंग जो था
वो स्पिरिचुअलिज्म से गाइड हुआ करता था। जब स्पिरिचुअलिज्म की बात आती थी, मतलब जब डिवाइन की बात आती, जब गॉड की बात आती थी, तो फिर चर्च जो था, जिसको चर्च का जो उस बोलते हम आर्क बाइशॉप या फिर पोप बोलते हैं, पोप कहिए उसे, ठीक है, हिंदी बोलते हैं उसे पादरी। तो जो पोप हुआ करता था वो हमेशा हेड हुआ करता था, है ना। ऐसे कोई मौलाना कहिए आप, संत कहिए, आचार्य कहिए आप, या फिर उसे शंकराचार्य कहिए हमारे हिंदू धर्म में, है ना। तो बात ये कि वो उस पर हैवी हुआ करते थे। अब जब हैवी हुआ करते थे तो होता ये था, इनकी बात ज़्यादा होती थी। पहले इसको तो मैं छोड़िए, खैर मैं बता रहा हूँ आपको कि पॉलिटिक्स की जो आज ब्रांच निकल आई है हमारे पास, के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक पॉलिटिक्स है, थर्ड मतलब थ्योरी है, जिसमें ये तीन ब्रांच निकल दी हैं पॉलिटिक्स की। और फिर उसके बाद बहुत सारी तमाम एक एडवांस लेवल पहुँचाया गया है कि रिलीजन अलग है, इथिक्स अलग है, मोरल अलग है ना, और फिर पॉलिटिक अलग है, थ्योरीज अलग है, इस तरीके से। एरिस्टोटल है, प्लेटो है, इनका जो उन्होंने हमें कंट्रीब्यूशन दिया गया वो एक अलग बात है। इनसे हमारी नज़रिया, सेंट ऑगस्टिन है ना, और क्या बोल दिया उनका, थॉमस एक्विनास हैं, जे जे रूसो हैं, इनको छोड़िए, मतलब निकोलो मैकियावली हैं, तो इन्हों का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो एक बात है ही है। बाकी दूसरी बात ये भी है कि इन लोगों ने अलग अलग बात को किया है। इंग्लैंड में जितनी भी हुई है उसमें चर्च को फिर छोड़ दिया गया, मतलब कि अब आपकी बात नहीं मानी जाएगी। वैसे भी आप जानते हैं कि जहाँ धर्म, देखिए धर्म, मैं अपनी ये बात कहना चाहूँगा आपसे, किसी धर्म से ताल्लुकात नहीं है। आप हिंदू धर्म के भी हो सकते हैं, मुस्लिम धर्म के भी हो सकते हैं, और अगर आप अगर और भी कई धर्म हैं उनके हो सकते हैं, लेकिन देखिए धर्म जोड़ने का काम करता है। सिर्फ इस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ मैं आपको बात, ये मौलिक कंटेक्स्ट में, जो हिपोक्रेट है जो ये बात लिखी, उस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। मेरा मतलब फिलोसफी से व्यवस्था करना नहीं है आपको, बट माई मेन टारगेट इज़ दैट। तो इन रेफरेंस टू दैट कंटेक्चुअली आई एम स्पीकिंग टू यू। तो ये वाली बात है कि उस वो हैवी होता जा रहा था। और ये देखिए दफ, ये यहाँ से देखिए आप, ठीक है, अबाउट आर्ट एंड पीस, बट हाँ देखिए सुनिए, यहाँ से पढ़िए, ठीक है, मतलब यहीं से पढ़िए आप। मैनी डिफरेंट ग्रुप्स हु वर ऑफेंडेड बाय द प्लेस पोर्ट्रेल ऑफ समवन हु वाज आउटवर्डली पियस, मतलब जो दिखाता है कि ढोंग करता है, जो कि मैं बहुत धर्म से ताल्लुकात रखता हूँ, मैं बहुत इसको मानता हूँ, लेकिन अंदर से वो है नहीं, एक उसके अंदर लस्ट है, डिसिटफुल है वो इंसान, है ना। तो उन लोगों पे कमेंट की गई थी, ठीक है, एंड हु यूजेस देयर प्रोफेशन ऑफ पीजी टू प्रे ऑन अदर्स, ठीक है। और जो लोग, अब जैसे आप ही बताइए पंडित हैं, उनसे जरा आप किसी बात पे बात कर दीजिए तो अब बताएंगे कि इतना दान दान कीजिए, वो कीजिए, एक और कुछ नहीं है। कभी ये हुआ करता था चर्च में कि चर्च में आप जन्नत जाने के लिए, मतलब आप हेवन में जाने के लिए वहाँ से, और अपने पापों से निजात पाने के लिए, मेरे को तो मतलब एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि एक स्लिप टाइप की वहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी कि ये इतने रुपए की है, आपको क्या मतलब कौन से स्टैंडर्ड लेवल का चाहिए आपको, हेवन, आपने इतना बड़ा पाप किया, इतने रुपये में आपका ये सब खत्म हो जाएगा। यहीं से ये कंसेप्ट निकलता है दान वाला। आप इतने, अब ये बताइए कोई आदमी कर रहा है और पैसा दे के वो टिकट खरीद रहा है और बस वो सीधा स्वर्ग जा रहा है, तो ये कोई पॉसिबल है? नहीं है बिल्कुल पॉसिबल, लेकिन ये चर्च कर रहा था। ये यहीं से चर्च इस हद तक पहुंच गया कि इसे मतलब इसके जो फाइनेंशियली थी बहुत ज़्यादा सैकर हो गया ये, और इनके पास पैसा होने लगा, स्टेट से ज़्यादा इनके पास कलेक्ट होने लगा मनी, ठीक है। तो देखिए ये वाली बात है, द फैक्शंस अपोज टू मोलियस वर इंक्लूडेड पार्ट ऑफ हायरार्की ऑफ द फ्रेंच रोमन कैथोलिक चर्च, जो कैथोलिक चर्च था, कैथोलिक चर्च के खिलाफ लोग जाने लगे, फ्रेंच
मेंबर्स ऑफ अपर क्लास, फ्रेंच सोसाइटी एंड इलीगल अंडरग्राउंड लाइक और कंपनी, ठीक है। इसमें थोड़ा क्या है कि अलग लिखा हुआ था होता है, तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, है ना, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए लिखा है, मोलियर अटेम्प्टेड टू असुएज चर्च ऑफिशियल्स बाय रिराइटिंग टू स्प्ले टू सेम सेकुलर, ठीक है। उन्होंने फिर हालांकि बैन कर दिया गया था ये प्ले, फिर बैन कर दिया गया था ये बात सोच के कि इस तरह, हालांकि मोलियर को वक्त लगा 4-5 साल का, उन्होंने आके फिर ये वाली बात कही कि मैं इस तरीके से इसको करना हूँ, उन्होंने उसे थोड़ा मतलब कम किया, ठीक है। तो देखिए लिख रहा है, द ओनली परफॉर्मेंस ऑफ विच अकर्ड इन पैलेस रॉयल थिएटर ऑन 5 अगस्त 1667, इमीडिएटली द फॉलोइंग डे 16 एज द किंग वॉज अवे फ्रॉम पेरिस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेरिस सेंसर्ड पब्लिक परफॉर्मेंस इवन थ्रू आउट मोलियर्स कॉन्फ्लिक्ट विद चर्च लुइस कंटिन्यू, ठीक है। तो एक एक मतलब हुआ बैन हो गया, फिर उसके कुछ साल के बाद फिर से दोबारा लाया गया, ठीक है। अब मान के चलिए कि सेकंड वर्जन इसका आया, तो ये भी एक मतलब एक कंट्रोवर्शियल बात है इसमें कि ये 5 प्ले में है ओरिजिनल या फिर 3 प्ले में है ना, तो वो वाली बात हुई। मगर ये वाली बात है कि जो ओरिजिनल प्ले है वो 3 एक्ट में आया है 1664 में, है ना। इसे पहले प्ले परफॉर्मेंस किया गया था, उसके बाद फिर से दोबारा लिखा गया है ना, और 69 में आके इसे लिखा गया है। तो इसे 4-5 साल बाद फिर से दोबारा और रिपब्लिश किया गया है, ठीक है। तो वो वाली बात है, ठीक है। तो ये मैंने आपको उसके बारे में बैकग्राउंड बताया। अब देखिए मैं अब टॉर्टिफ के बारे में बात करता हूँ आपसे थोड़ा सा, लेकिन मोलियर के बारे में एक दो लाइन बता दूँ आपको। मोलियर के दो पोचेता जिनके लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं ये प्ले हैं, एक टॉर्टिफ है और एक मिसैंथ्रोप करके है ना। और क्या बात है कि और ये जो इसका जो मतलब जो जो इसमें दिया गया है मैटर बड़ा क्लियर है, टाइमलेस है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इन तीनों वर्ड का मतलब ये है कि मतलब इसने डायरेक्ट कमेंट की है उनके ऊपर, पोप्स के ऊपर और रिलीजियस जो लोग ढोंग करते हैं इनका उसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें जो बात है कि ऑर्गोन दैट ही वेरी नियरली सक्सेस इन रनिंग ऑर्गोन एंटायर फैमिली बट एट द एंड ऑफ द, ठीक है, किस तरीके से वो लिख पाते हैं। हमने थोड़ा सा क्या किया है कि मतलब टॉर्टिफ का मतलब उनका मोरियर का मकसद ये है कि टॉर्टिफ जो है वो समझना चाहिए, उसका एक इंटरप्रिटेशन होना चाहिए है ना, कि मतलब वो किस तरीके। अब देखिए आप इसके अब कास्ट करेक्टर्स के ऊपर देखिए, ठीक है ना। तो देखिए आप जो परनेल है वो मदर ऑफ ऑर्गोन है, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कोई हो सकता है डिफरेंस हो, लेकिन आप बस मकसद समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से परनेल जो है मदर ऑफ ऑर्गोन है, ऑर्गोन हस्बैंड ऑफ एलमायर का है ना, और ये एलमायर जो है वो वाइफ ऑफ ऑर्गोन है, ऑर्गोन की वाइफ है। डेमस जो है सन है ऑर्गोन का, ठीक है। मेरियन जो है वो डॉटर है उसकी ऑर्गोन की, और बेलर की बिलव्ड है, ठीक है। बेलर तो उसका बिलव्ड है यही, बेलर और मेरियन एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। डेमस उनका भाई है, ऑर्गोन उसका बाप मतलब है ही वो उनका पिता है, मेरियन का पिता है ना। और ये जो है क्लियंटे जो है उसका वो साला है, इसका ब्रदर इन लॉ है ना, और सिस्टर है उसका ब्रदर है इसकी जो वाइफ का है एलमायर का, ठीक है। टॉर्टिफ तो हिपोक्रेट है ही,
और डोरिन जो है वो मेड है एंड कॉन्फिडेंट ऑफ मेरिन की है। मेरिन कौन है? उसकी जो बेटी है। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको समझाऊँ, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट ठीक है ना, कॉन्फिडेंट इसमें देखिए कॉन्फिडेंट में एक्चुअली ई आती है बीच में, DENT है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये इसमें जो है इसमें दिया गया DANTE है ना। एक्चुअली इस वर्ड का मतलब ये होता है, कॉन्फिडेंट जो वर्ड कहाँ से मतलब निकला है मैं आपको बताऊँ जरा, कि ये एक्चुअली जो वर्ड है कन्फाइड होना है ना, CONFIDE, पूरा शब्द नहीं लिख रहा हूँ मैं, कन्फाइड है एक्चुअली, CONFIDE ठीक है। कन्फाइड का मतलब होता है कि जिस पे हम कुछ अपने सीक्रेट उसके साथ शेयर कर सकें है ना, उस पे हम थोड़ा सा एतबार कर सकें तो उसको हम कन्फाइड कहते हैं, हम उस पर कन्फाइड करना है, वी आर हैविंग फेथ इन हिम। तो उसी से वर्ड बना है, उसी से अल्फाज बना है ये वाला कि कॉन्फिडेंट हूँ मैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंट का मतलब ये हो गया कि वो उस पर एक मतलब उसकी मेड ऐसी मेड डोरिन जिस पर वो थोड़ा सा यकीन कर सकती है, थोड़ा सा एतबार रख सकती है ना। अच्छा लॉयल ये भी है एक उनका ही ठीक है ना, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। बीडल बीडल बोलते हैं उसको, ये वर्ड मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा चलो इसका मतलब भी आपको। और फ्लिपोर्ट जो है वो सरमेंट है उसका परनेल का ठीक है। तो ये इस तरीके से ना एक रिलेशन है ना, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए एक बार दो एक दो पढ़ के। और ये जो मेरे पास PDF है मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप समझ सकें है ना। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका वो समझाता हूँ आपको कि समरी क्या है इसकी ठीक है। अब देखिए समरी में ये है कि ऑर्गन जो है वो क्या है, एक बिजनेसमैन है पेरिस का है ना। और जैसा कि होता है आप ये मतलब बिजनेसमैन नहीं मतलब जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, एरिस्टोक्रेटिक लोग भी मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोगों के पास अच्छी खासी संपत्ति होती है ना, वो लोग भी ये सोचते हैं कि ये सब कुछ है लेकिन हमारे पास स्पिरिचुअलिज्म में क्या है, हम कितने मोरल हैं हाँ हम उसके प्रति। तो वो भी अपना कुछ ना कुछ सोचते हैं, हालत में सोचता है जैसा कि है ना, अब भी सोचते हैं हम भी सोचते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये हम गलत तो नहीं कर रहे मतलब वो तो नहीं कर रहे। तो वो इसके बारे में हमेशा इसके इसका ख्याल रखता है अपने जहन में। तो वो क्या करता है कि उसे मतलब एक ट्रॉटी नाम का एक उस एक आदमी से उसकी मुलाकात होती है ना उसकी। तो उसे क्या होता है कि उससे मतलब उसकी जो ख्वाब उसकी जो मतलब विचारों से है ना, उसे क्या कि वो इम्प्रेस हो जाता है। और वो इम्प्रेस हो जाता है मतलब वो उसे ये मतलब उसे उसे जो उसका जहन में उसको दिमाग में ये इम्प्रेस जाता है कि ये बंदा बहुत मोरल है, ये बंदा बहुत रिलीजियस वाला बंदा है ये है ना। तो ही बिकम सो इन्फेचुएटेड विद द ऑस्टेंटियस पीटी ऑफ टॉर्ट्यू दैट ही हैज सोर्ड हिम विद गिफ्ट्स एंड ब्रॉट हिम टू लिव इन हिज ठीक है, दैट ही हैज सावर्ड हिम विद गिफ्ट्स। तो अब ये क्या कहते हैं मतलब वो उसकी जो तो क्या है कि वो उसके उसे इम्प्रेस हो जाता है ना। देखिए जो ये जो वर्ड दिया गया है ऑस्टेंटेटियस और पीटी जो दिए हैं, पीटी तो आप जानते ही होंगे कि मतलब जो धर्म से मतलब वाबस्ता हैं जो लोग जो मतलब उसमें रखते हैं कि डिवोशन टाइप का एक तरफ का ये कह सकते हैं आप है ना। और ऑस्टेंटेटियस एक्चुअली जो ऑस्टेंटेटियस नहीं ऑस्टेंटेड वर्ड है ठीक है ना, IUS तो आप जानते हैं नॉर्मल आते हैं। तो मतलब वो है कि ये अपना बोस्टिंग जो करते हैं मतलब जो एक्स एग्रीग्रेशन करते हैं ना उसका, कह रहे नहीं हम तो ऐसे हैं मतलब जो अपनी चीज़ को बढ़ा चढ़ाई कहते हैं, तो मतलब वो वाली बात है। तो वो कहता कह रहे मतलब उसको वो ऐसा शो करता है
कि ऐसे मतलब बड़ा चला के बात करता तो उससे वो इम्प्रेस हो जाता है। आजकल जैसा कि लोग करते ही हैं खुद ब, है ना, कि नहीं नहीं ये तो ये ऐसा बहुत धार्मिक बंदा है, और वो उसको सावड़ है मतलब उस पर बुलावा देता है उसे कि आप मेरे घर में आके रहिए। अब जब वो घर में आके रहता है तो वो वहाँ का माहौल देखता है और वो उससे इतना इम्प्रेस हो जाता है कि अपनी बेटी जो मैरिन है उसकी शादी करने के लिए उससे उससे मतलब ये सोच डिसाइड कर लेता है। जबकि जो मैरिन है वो बैलर से प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो इस बात को कहें नहीं, वो सब सही नहीं है। जैसा कि होता है कि मतलब बाप कुछ भी कर सकते हैं, तो मतलब उस वाली हद तक कि नहीं मुझे ऐसा करना है, जो उसका फियंस होता है बैलर, जो उसे डीपली मतलब है अफेक्शन है उसे उसे, तो उसको छोड़ा ये नहीं मेरे को ये करना है। अब अच्छा एलमायर यंग है, उसकी सेकंड वाइफ है, वो इस ढोंग पने को समझ जाती है कि ये बंदा ढोंग कर रहा है, ये इसके अंदर कुछ नहीं है। अब वो उसको और मैरिन दोनों मिलके उसे फंसाते हैं, उससे मतलब उसका डैमेज जो है उसका बेटा है वो उसे क्या करता है कि मतलब उस उनकी बातें सुन भी लेता है एक दिन, ठीक है, तो वो अपने पापा को बताता भी है कि ऐसे ऐसे बात है पिताजी, तो अब उसे उसके बाद पे यकीन नहीं होता, वो ये कहता नहीं नहीं तुम निकल जाओ मेरे घर से, तुम बहुत मक्कार इंसान हो और तुम उसके बारे में गलत कहे, मतलब उससे ना उससे वो नाराज़ हो जाता है उससे और उससे घर से निकाला दे देता है उसे, ठीक है। अब एलमायर क्या करती है और क्या है कि और उन ये रुक देता है कि नहीं आप हमारे उसके साथ जितना वक्त बताना चाहें मैरिन के साथ बता सकते हैं, आपको हमें कोई परेशानी नहीं इस बात से, ठीक है। तो अब इसका काम बन गया, इसे और मिल गई मतलब छूट। तो अब क्या होता है कि अब एलमार ये सोचती है कि ले मुझे कुछ जुगाड़ करनी चाहिए। जब वो उससे कहता है मतलब युवा पता पड़ते हैं कि वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो गलत नहीं है, तो वो कहती है अब हमें कुछ करना चाहिए। अब एलमार अपना सोचते हैं कि मेरे को उसे कुछ करना चाहिए, तो वो उसे परसुएड करती है उसके, और क्या करती है कि और को उनको एक टेबल के अंदर छुपा देती है, देखो तुम देख सुनो, है ना, तुम सुनो, तुम देख रहे अपनी आँखों से कि क्या करता है। अब क्या करते हैं कि वो उसे जो एलमायर है मतलब उसका मकसद ये होता है ना, अब देखिए फंसाने का तरीका देखिए उसे, ऑर्गन जो है उनका मतलब जो है ही ये दो तीन ही मेन करेक्टर हैं मेरे प्रोटोगनिस्ट करेक्टर, वो अपनी बेटी की शादी कर रहा होता है मैंने कि उसके साथ। अब ये उसे ये बात कहते हैं कि नहीं तुम उसको छोड़ो, तुम उसको छोड़ो, उस प्लान को त्यागो तुम, वो मतलब ठीक है, तो ये उस उसको गिव अप कर देता है प्लान को और ये इसे ही प्रपोज कर देता है, ठीक है, ये उस बात को बैठा सुन रहा होता है जो और कौन है। जब ये उसे तो तब ये बात कहते नहीं कहते नहीं तुम तो एक गलेबल बॉय हो, ये कहती है एलमार उससे टोटिप से। ये बात सुनते ही ऑर्गन उसके टीवी के नीचे से निकल आता है, तब ऑर्गन की आंख खुलती है कि ये कैसा बंदा है, ये तो मेरे ही घर में आके मुझको ही डांका डाल रहा है। अब उसको फिर उसे फटकारता है कि नहीं नहीं आप यहाँ से जाइए, ऐसा नहीं मतलब ये। अब क्या करता है कि अब ये बात कहता है वो कि नहीं 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 अब क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इनके जो कागजात होते हैं, ये बाद में बात बताएगी खैर इसमें इस प्ले में, तो वो ये बात कहता है कि भाई अब तो इस अकॉर्डिंग टू दीज डॉक्यूमेंट्स ये सब कुछ मेरा है, अब मुझे निकलने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम यहाँ से जाओ, ये कहता है ऑर्गन से टॉर्टिप जो है, ठीक है। अब इसकी और आँखें खुलती है, भाई इसने तो यार हमें ही फंसा दिया। अब क्या होता है, ये सब मामला पहुँच जाता है राजा के दरबार में, राजा के दरबार में ये मामला पहुँचता है तो राजा को सारी बातें पता होती हैं पहले से ही कि ये तो बहुत बहुत मतलब ख़राब इंसान है टॉटिप जो है। तो फिर ये क्या करता है
उसको ये सब उससे पहले से होता है उसके बारे में भैया। तो ये कहता है नहीं, मुझे पता है क्या मटर है। फिर इस टॉर्ट्यूब को मतलब इसको पनिशमेंट देता है और उसको उसकी सारी जायदाद उसके नाम कराता है ओरगोन के नाम। और जब जाके इनको निजात मिलता है इस फैमिली को पूरी को, है ना। अच्छा अब ये है पूरी स्टोरी क्या है। हालांकि मैंने इसके थीम के ऊपर दूसरी वीडियो बनाई है एक, है ना, कि जस्टिस है वो है वो सब फलान टाइम का। लेकिन दरअसल पर आगे कहानी यहाँ एंड होती है कि इनको अपनी सारी प्रॉपर्टी मिलती ही मिलती है और उसको अलग किया जाता है उससे। ठीक है, अब जो क्या होता है अब लास्ट में ये तो जानते हैं आप। तो फिर बीडल जो होता है वो आता है। अच्छा मैं जो बीडल जो बता रहा था उसका मतलब होता है एक वारंट ऑफिसर जो होता है ना। मतलब कोई एक ऑफिसर जो मतलब अरेस्ट करने के लिए आता है, तो वो वाला ऑफिसर होता है उसका। ठीक है, वो आता है पहले ये जो सारा था अपोजिट था उसके ऑर्गन के। अब जाके राजा को जो पता पड़ता है कि ये सब इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, क्योंकि पहले से पता होता है कि उसके बाद बहुत क्राइम होते हैं इसके ऊपर। तो ये तो मतलब कहते हैं ना इसको हिस्ट्री सीटर उस टाइप का होता है, कंग के दिमाग में बात ये वाली बात फिट होती है। तो फिर फैमिली को इससे छुटकारा मिलता है, निजात मिलता है। और मेरिन को फिर वेल्स से मिलने की वो फिर वो डिक्लेयर कर देता है जो ऑर्गन होता है। हालांकि इन सब का जिक्र नहीं किया गया इस बात में कि मेरे उनकी शादी होती है क्या होता है, लेकिन दरअसल ये इतनी बात डिस्कस की गई है कि वो लोग शादी कराएंगे फिर आप। ठीक है, तो ये मैंने आपको समरी बताई है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैं इसको कई पार्ट में डिवाइड करूँगा और भी बताऊँगा मैं आपको उसके बारे में। और कोशिश होगी सब कुछ बताऊँगा आपको ताकि फिर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके सो ओके गाइज, थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। और मैं और वीडियो भी आपको फर्दर जरूरत हो उसकी सेटिंग के बारे में, तो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगा। एंड आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। ओके, थैंक यू गाइज।